वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आई थिंक ये सबसे शुरुआत में आपने सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया. ये मतलब वो होता है ना, आप एग्जाम देने की उम्मीद से नहीं गए होते और पहले ही कॉम्प्रिहेंशन दे दिया कि बिजनेस और आर्ट में आप कैसे. बहुत मुश्किल. सी ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर इनटू मेकिंग फिल्म्स, आप ऑलरेडी पब्लिक एक्सपेक्टेशन के ऊपर खेल रहे हो. आपकी जिस डेट से पिक्चर अनाउंस हुई, भाई ये तो पिक्चर फ्लॉप है या ये पिक्चर तो चलेगी चलेगी, रेपुटेशन एनालिसिस, मीडिया एनालिसिस, मैं कह रहा हूँ आम बंदा जिस जो आपको नहीं भी जानता उसकी भी आपको लेके ओपिनियन होती है. सो यू कैन ओनली फोकस ऑन द आर्ट, यू कैन रियली ओनली फोकस ऑन द इकोनॉमिक्स ऑफ हाउ यू हैव मेड दैट फिल्म. रेस्ट ऑल इज फेट. वो बड़ी अच्छी एक एनालॉजी है कि आपकी चाबी भी लगेगी और मैनेजर की चाबी भी लगेगी, लॉकर तभी खुलेगा. तो जब तक पब्लिक या जो आपकी ऑडियंस है जब तक वो नहीं लगती तब तक नहीं खुलने वाली. तो यू कीप मेकिंग, कितनी भी बढ़िया आपने एफर्ट की, आप एक साल तक फिल्म बनाते रहे, दो साल तक बनाते रहे. सो स्ट्राइकिंग दैट बैलेंस, आई थिंक द ओनली कंट्रोलेबल एलिमेंट विद यू इज़ योर टीम. How you keep your whole team motivated from the day you narrated your first script, you got an entire technical team on board, then you went on to every artist, every music composer to narrate your film. Unke paas dates hain, nahi hain, and you are dealing with anticipations. So everything unfolds, and trust me, ये एक ऐसी industry है कि आपने पूरा एक साल या दो साल काम किया, result आपका एक शुक्रवार को ही आ जाना है. और इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं आएगा. अगर तो चल गई, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे हम बाहर बैठे अभी वही डिस्कस कर रहे थे, हमारे कह रहे कि सर ऊना में थिएटर आ गए हैं तो वहाँ पिक्चर लग जाएगी इस बार. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पर मैंने कहा वहाँ लोगों को पता कैसे लगता है कि आपकी पिक्चर लगी है. मतलब कि विलेजेस में हाउ इज़ वन प्रमोटिंग द फिल्म, यू नो. तो उसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है रूरल मार्केटिंग. अगर आप कोई एम्पावरमेंट पे फिल्म बना रहे हो तो उस हिसाब से मार्केट करोगे. तो ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. अपने एलिमेंट्स हमारे क्रिएटिव ही हमारे हाथ में हैं, उससे ज़्यादा इट्स ऑल अप टू पीपल हाउ दे रिसीव इट. आपको सुन के मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रही है एक एंटरप्रेन्योर की, उन्होंने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप एक अरेंज मैरिज की तरह होती है. ठीक है, तो मतलब आप प्यार में बाद में पढ़ते हो, पहले आप चूज करते हो किससे प्यार में पढ़ना है. तो आप क्या कहना चाहोगे इसमें, बिकॉज आप तो पैशन और बिजनेस को कंबाइन कर रहे हैं. नहीं, फिल्म मेकिंग एक ऐसी चीज़ है कि ये प्यार ही है. इसके लिए आदमी फुटपाथ पे सो लेता है, इसके लिए आदमी कुछ भी कर लेता है, इसके लिए आदमी घर छोड़ के ट्रेन पकड़ के 500 रुपए लेकर के बॉम्बे चला जाता है, इसके लिए वहाँ से लड़के इंडस्ट्री डायनेमिक से हताश होकर के कहीं पे भी, बिकॉज एवरीबडी इज ट्राइंग टू सिक्योर देयर ओन सेट ऑफ एनवायरनमेंट. कोई यहाँ पे भी बाहर से आएगा तो लोकल कम्युनिटी एक बार तो साथ में बैठेगी कि बॉस हमारा धंधा छिड़ जाएगा, बाहर से आना है, बाहर से आ गए, बाहर से आ गए. तो वापस जब आप जाते हैं आते हैं तो यू हैव टू मेक पीस विद इट कि आप इसको कैसे ले रहे हैं. एंड दैट्स अ जर्नी वी चोज. आप देखिए फिल्म मेकिंग, आई वुड टेक अ स्टैंड फॉर इट बिकॉज इट्स अ मैरिज ऑफ आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, लीगल एस्पेक्ट्स. मतलब इसमें जब हम फिल्म बनाने जाते हैं सब कुछ है. सबसे पहले तो अब हम फिल्म शुरू करते हैं तो राइट्स लेने भाग जाते हैं कि इससे राइट्स ले लो, इससे राइट्स ले लो, इससे NDA करा लो. आपने किसी आर्टिस्ट को फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने को दी, उन्होंने पूरी फिल्म पढ़ ली, फिर पूरी फिल्म पढ़ के दो चार दिन कहते हैं हम एक हफ्ते बाद सोच के बताएंगे. मना करने का क्या कारण देते हैं यार, डेट्स नहीं है. पिक्चर तो पढ़ ली ना पूरी, अब वो कहानी किसी को आगे ना सुनाए तो पहले आप NDA करो. तो पहले फिल्म साइन करने से पहले पहले वकील साथ जाता है, उनका वकील साथ में आता है कि बॉस हमारे जब हम सीन करेंगे तब हमारे सीन में अल्कोहल का रेफरेंस नहीं होना चाहिए, हम ये फाइट सीक्वेंस नहीं करेंगे, ये स्टंट डबल के साथ करेंगे. तो वो अपना वकील लेके आते हैं, हमारा अपना वकील क्या होता है. तो पहले तो पिक्चर बाद में बनती है, आज की डेट में वकालत पहले शुरू हो जाती है. राइट्स करने शुरू कर देते हो, टाइटल कॉपी राइट्स करने शुरू कर देते हैं. आपने आज एक फिल्म अनाउंस की, कल को पता लगा एक बंगाल से भी सेम फिल्म अनाउंस हो गई है, बॉम्बे से एक सेम फिल्म अनाउंस हो गई. तो उसके बाद द स्टोरी हैज टू कंटिन्यू. आपका आंसर सुन के तो मुझे सच में लग रहा है कि मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा. तो मुझे एक सिंपल सा आंसर दे दीजिए कि जब आप पिच जो है पिच करते हैं अपना स्टोरी आइडिया, तो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी या चैलेंज क्या होता है कि मैं कर किसको रहा हूं, अपने इन्वेस्टर को या अपने आर्टिस्ट को? क्योंकि इन्वेस्टर ने पैसा लगाना है. नहीं, इन्वेस्टर तो देखो बहुत लोग हैं जो टचवुड अब मतलब
जिसको अच्छी कहानी पे इन्वेस्ट करना है वो एक CSR समझ के भी कर सकता है, कि आई वॉन्ट की एक स्टोरी जब लोगों में जाए तो वो कम से कम 15, 20, 100 या 1000 लोगों की भी लाइफ बने। देखो, नंबर्स विल नॉट गेट रिजल्ट्स इन दी एंड ऑलवेज। आज एक फिल्म आपको कि 500 करोड़ करेगी, 100 करोड़ करेगी, ठीक है, लेकिन उसने लोगों का क्या किया है वो बताओ। द प्रोड्यूसर और द इन्वेस्टर मेक्स मनी इन द एंड ऑफ द डे। व्हाट डिड पीपल गेट आउट ऑफ वेदर अ फिल्म मेक्स अ 500 करोड़ और 1000 करोड़? आस्क योरसेल्फ। सॉरी, आई यूज्ड टू बी इन कॉलेज एंड उस वक्त डिस्कशन जो होती थी, भाई आज फ्राइडे है, आज मूवी कौन से देखने जाना है, मैं सोचता था यार सारे लोग कर तुम इंजीनियरिंग रहे हो, देखनी तुम्हें पिक्चरें हैं, जीनी तुमने, सुपरस्टार लाइफ है, तो वाई नॉट गो ऑन दैट साइड एंड सी हाउ दैट वर्क्स। आई कॉन्शियसली चोज दैट थिंग आई हैड टू डू एंड आई वेंट अहेड एंड इट हैड इट्स शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड देन देर वॉज नो लुकिंग बैक। बट यू हैव टू ट्रैवल द डिस्टेंस टू लर्न दिस जर्नी, क्योंकि इस फील्ड में हर आदमी की अपनी जर्नी है। इसमें कोई स्टोरी बुक इंस्पिरेशन नहीं दे पाती, इसमें आपकी अपनी जर्नी आपको खींच के लेके जाती है आगे। द ओनली पीस ऑफ एडवाइस आई वॉन्ट टू गिव टू माई यंगर सेल्फ वुड बी कि डोंट लीव योर एजुकेशन टू परस्यू योर पैशन फॉर वट एवर यू वॉन्ट टू डू। लाइफ विल ऑलवेज गिव यू अ चांस। मतलब ऐसा कभी नहीं स्टक करना कि मैंने कॉमर्स ले ली है और मैं इस टाइप का बिजनेस नहीं कर पाऊंगा लेटर एंड में जाके, मैंने होटल मैनेजमेंट कर लिया, मैंने एक, देर इज़ ऑलवेज स्कोप टू बी फ्लूइड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग करियर चॉइसेस। मतलब एक्सेप्ट फॉर वेरी स्पेसिफिक फील्ड्स व्हेन यू आर वांटिंग टू एंटर फॉर से मेडिसिन, फार्मेसी और यू वांट टू बी अ डॉक्टर, बट आई फेल्ट माय चाइल्डहुड वाज वेरी शील्डेड and my set of insecurities unfolded when I was all there vulnerable in a place in a zone where I had almost all the fears. Matlab I didn't have fears, perhaps my parents had fears ki bhai you come from a family of people who have always worked, done jobs, and then you are all set to go and make films. We know nobody who makes films, and then how will you go to a TV station? And I still believe in that very very till I know till I came to know about you and we came to know about regional channels, everybody's mind was fixated to see each other on television, you know, ki aapne Sony pe dekh liya ya XYZ channel pe dekh liya ya XYZ OTT platform pe dekh liya. To I feel ki apne younger self ko main itna hi keh sakta tha ki boss job hai, aaj hai, kal tomorrow you will find new people, you will come across a lot of different things, whatever you have to live your present to the fullest. That is what I would. Par pichle sawal ka answer main de deta hu, art aur business ka wo seesaw ki tarah hi hai, thodi bhi art zyada bana di to keh raha hai ye art filmmaker hai, aur thodi bhi commerce ka pillar upar chala gaya to kahenge ye to commercial filmmaker hai, iska content se koi lena dena nahi hai. To sahi karte ho? Nahi, chakkar ye hai ki agar seesaw beech mein khada ho gaya to वो चलेगा भी नहीं. तो थोड़ा सा इट हैज़ टू बी लाइक दिस. तो फिल्म का स्क्रीन प्ले ऐसा लिखा जाता है, थोड़ी देर तक यू हैव टू गिव पीपल अ बैंग फॉर देयर बक, बैंग फॉर देयर मनी, कि भाई दे हैव दे आर सरेंडरिंग 2 hours ऑफ देयर टाइम इन द थिएटर. वो गाड़ी मॉल के नीचे गई है, मॉल में उन्होंने 40 रुपये की पर्ची कटाई है, 4 लोग लेके वो ऊपर गए हैं, खाना खा के बाहर आएंगे. तो गोइंग इन टू द सिनेमा और वॉचिंग फिल्म ऑन द बिग स्क्रीन एक्चुअली फॉर अ फैमिली टेक्स अ टोल ऑफ 2000 to 3000 rupees ईजिली ऑन अ सिंगल ट्रिप. दैट इज़ द वीकेंड एक्सपेंस. सो हाउ मच मनी बैंग फॉर द बक कैन यू गिव इट टू दैम? सेकेंडली, यू आर ऑल्सो वर्किंग ऑन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द होल इंडस्ट्री. There is no insurance, जैसे कि there is a big proper vertical setup, corporatization setup. जब pandemic भी आया तो किसी ने अपने photographer की help की, कितने लोगों ने की होगी. So there is an entire industry that just works on a daily wage basis and film industry is perhaps one of them. तो you help them out and people who could do that did that. We were able to do that to a large extent even. Thank you. तो जैसे ये बात है तो हमेशा भाई भाई बोलते हैं, तो मेरे को ना बड़ी बड़ी अच्छी सी वो फीलिंग आती है जब इंडस्ट्री में ना सब एक दूसरे को भाई बोलते हैं. अच्छा, मेरे को डॉन वाला भाई तो नहीं 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 नहीं, 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 नहीं।